नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला थाना बर्रा के अंतर्गत मेहरबान सिंह पुरवा पुलिस चौकी के अंतर्गत मर्दनपुर गांव का है, जहां के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख अरुण कुमार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में प्रधान रहे सुपर यादव ने पक्के मकान देने के नाम पर फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मकान नहीं दिए क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं। कुछ लोगों को पूर्व प्रधान सुपर यादव ने पक्का मकान भी दिया, जो कि मेरे साथ ही फॉर्म भरे थे, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चौधरी सुखराम सिंह यादव, मौजूदा सांसद के पुत्र चौधरी मोहित यादव, गांव में आए थे, बाढ़ का जायजा भी लिया, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, लेकिन सत्ताधारी नेता अभी तक गांव की सुध लेने नहीं आए। ग्रामीणों का हाल चाल भी किसी ने नहीं लिया। प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र यादव लगातार मदद कर रहे हैं एवं मौजूद पूर्व BDC जितेंद्र कुमार ने संवाददाता को बताया कि बाढ़ के आसार लग रहे हैं। गांव में शासन प्रशासन ने भी गांव में बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और गांव के पूर्व BDC होने के नाते प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि के साथ मिलकर हर संभव मदद कर रहे हैं। सिंह जी, ये कौन सा गांव है? ये मर्दनपुर है। थाना कौन सा लगता है? बिजनू बर्रा। अच्छा, ये क्या मामला हो गया, क्या भीड़ क्यों लगी है? ये भीड़ लगी है कि हमें लोगों ने कॉलोनी नहीं आई थी जी। अगर कॉलोनी आया है तो मगर हमारी कट जाती कॉलोनी। सुनिए, हमारा ये थाना पड़ता है जी। कौन सा थाना है? बर्रा थाना, मर्दनपुर पड़ता है, ये चौकी पड़ता है जी जी। एक वो थाना पड़ता है जो रोड किनारे बर्रा वाली थाना, एक का नाम वो बिजनू थाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, क्या बताया? ये बाढ़ आ गया, ये भीतर घुसने वाली बाढ़ ठीक है। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएं? ना हमें लोगों कॉलोनी मिला था, ना हमें लोगों को आवत है। कॉलोनी का एक बार फार्म भरा आपने? सुनने, हमने भरा कई दफा, हमने फार्म भरा। तो उसके बाद प्रधान के पास गए? प्रधान क्या बोले? प्रधान हमसे, प्रधान नहीं आया, तुम्हारा वापस जाइए। प्रधान का तुम्हारा जब मिली तब मिल जाए। जब भरे तो उस समय कौन प्रधान थे, किनके कार्यकाल में? सुपर ये गुंडा की कॉलोनी आया। पूरा क्या नाम था उनका? सुपर क्या नाम था उनके प्रधान का? सुपर नाम है। क्या नाम है आपका? आसिया। आसिया जी, क्या मामला हो गया, क्यों भीड़ लगी है? ये भीड़ लगी है, हमारे पानी भर का अनाज गल्ला सब बीज गा मार रहते थे, बच्चे ने खाए कुछ नहीं है। अच्छा, कौन सा गांव है ये? मर्दनपुर। थाना? थाना पड़ बर्रा। अच्छा अच्छा, आपने फॉर्म भरा था कभी मकान? हम लोग कईयों दफे फॉर्म भरे हैं, ठंडी पर फॉर्म भरे रहे तो हमारे लोगों ने न कॉलोनी आए, न लाइटरिंग आए, नल दी। जब आपने फॉर्म भरा तो उसमें प्रधान कौन थे? प्रधान सुपर रहे। अच्छा, तो क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया या कुछ? कुछ नहीं, हमें लोगों ने दिए। अच्छा, उन्होंने कुछ बताए फार्म भरने के नाम पे या मकान के नाम पे कुछ पैसे वैसे भी मांगे हैं? कुछ नहीं, हमसे मांगे कुछ बताए हैं, हमें बताए थे कुछ। आज तुम्हें जा मिली कॉलोनी मिली, बस ऐसे सबर दे रहा है। और किसी को मिली कॉलोनी? भरे मिले हमारे लोगों ने जो साथ फार्म भरे। आप लोग यहाँ कहाँ रहती हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं पूर्व BDC भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मर्दनपुर से जी। तो अब यहाँ पे हालात ये हैं कि बाढ़ के आसार लग रहे हैं, नदी बहुत ज्यादा ऊपर तक आ चुकी है, खतरे के निशान से भी पार हो चुकी है, जिसके कारण लोग गांव के सब लोग इकट्ठे हैं, अलर्ट हैं। शासन प्रशासन ने भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। माननीय चौधरी सुखराम सिंह जी के पुत्र मोहित चौधरी भी आए हुए थे जी। उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और हर बार वो करते भी। पिछली बार वर्ष 2018 में बाढ़ आई हुई थी, तब उन्होंने पूरा खाना और अपने पूरे स्कूल सब कुछ खोल दिया था गाँव वालों के लिए कि आप सब लोग वहाँ रह सकते हैं, और आश्रय दिया था उन्होंने। पूर्व इस बार भी आश्रय देने के लिए पूरा बोल गए हैं और हर बार वो लोग करते भी हैं। पूर्व BDC होने के नाते ग्रामीणों की मदद प्रशासन तक आपने कोई बात कभी रखी है? इनकी हर संभव मदद करती किया गया है, और जब कभी कोई हो सकता है कोई छूट गया है आने वाले, अब जो प्रधान बने हैं यशवंत सिंह भैया, वो इस समय सभी को देख रहे हैं, जो लोग छूट गए हैं उनको भी हर संभव मदद करेंगे।